नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। की अमावस्या पर रविवार को श्री खाटू श्याम मंदिर में बड़वानी से भव्य निशान यात्रा पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष हाथों में निशान लेकर मंदिर पहुंचे और श्याम बाबा के दर्शन किए। अभी तक की यह सबसे बड़ी निशान यात्रा है जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु 1100 निशान लेकर श्री खाटू श्याम मंदिर पहुँचे। निशान यात्रा के मंदिर पहुंचने पर श्री श्याम सेवा ट्रस्ट मंडल एवं श्याम मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं पर पुष्प व इत्र वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही अमावस्या पर श्याम बाबा का अल सुबह से गंगाजल से जलाभिषेक कर स्नान करवाया। रविवार को फाल्गुन मास की अमावस्या पर्व होने पर श्री खाटू श्याम मंदिर में स्थापित श्री श्याम बाबा का सेवादार बंटी पटवा द्वारा सुबह 5 बजे से गंगा जल से अभिषेक कर स्नान करवाया व बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर सुबह 7 बजे आरती की गयी। भक्ति भाव से पहुंची निशान यात्रा। श्री खाटू श्याम की निशान यात्रा बड़वानी से सुबह 7 बजे नवलपुरा से निकाली गई, जो करी तलून बोरलाये से होते हुए नगर परिषद से नगर प्रवेश किया, जो दोपहर 12 बजे मंदिर प्रांगण पहुंची। निशान यात्रा में करीब 225 से 250 की संख्या में महिलाएं व पुरुष श्याम भक्त अपने हाथों में निशान लिए डीजे पर श्याम भजनों की धुन पर थिरकते चल रहे थे व जय श्री श्याम के जयकारे लगा रहे थे। निशान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। निशान यात्रा का तीसरा साल। निशान यात्रा के प्रभारी राजेश अग्रवाल व गोपाल भावसार ने बताया कि बड़वानी से श्री खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा का ये तीसरा साल है। उन्होंने बताया कि 2 साल से निशान यात्रा निसरपुर के कोलगांव स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर तक निकाली जा रही है, लेकिन मंदिर बन जाने से इस बार यात्रा बड़वानी से अंजड़ के खाटू श्याम मंदिर तक निकाली गई। संगीता अग्रवाल ने बताया कि यात्रा में लगभग 100 से अधिक महिलाएं निशान लेकर पैदल यात्रा में सम्मिलित हुई है। भक्तों ने मनाया फाग। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी रिपोर्ट। आराम से, आराम से।